नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो ब्रेकआउट दे चुके हैं और जो आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीक में या अगले 15 दिनों में काफी अच्छा एक रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसे जो है 10 स्टॉक बताऊंगा, तो नजर बनाकर रखिएगा इन स्टॉक्स में। ये स्टॉक्स जो है काफी अच्छा कर सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए मैं एनालिसिस करके मैंने रखी हुई है। तो आप लोगों के साथ आज मैं ये शेयर करने वाला हूँ 10 स्टॉक जो मेरी अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट में भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोकॉन की। तो देखिए, बायोकॉन जो था इसके लिए जो हर्डल था ये 480 के आसपास इसके पास एक जबरदस्त हर्डल था। सो ये 480 का लेवल इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मतलब फाइनली ब्रेक हो चुका है। और देखिए, ये जो लेवल जो ब्रेक हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया है, जो कैंडल जो बनी हुई है ग्रीन कैंडल, इस कैंडल में देखिए पूरी मतलब एक बड़ी कैंडल है और मतलब इस तरह के ब्रेकआउट जो है हम जो है अच्छा मानते हैं। तो फाइनली अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल भी मिली हुई है, मीन्स इनसाइड कैंडल जिसने मतलब ब्रेकआउट कैंडल को जो है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जो है क्रॉस ना किया हो, अभी तक क्रॉस नहीं किया है। और फाइनली जो है मंडे के सेशन में मे भी ये क्रॉस कर सकता है और क्रॉस करने के बाद एक काफी अच्छी मूव दे सकता है। सो यहाँ पर आप 488 के ऊपर बायोकॉन में एक अच्छी मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टारगेट हमारा यहाँ पर 525 और 550 है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है कैडिला। तो कैडिला भी यहाँ पर देखिए जबरदस्त यहाँ पर एक मूव हुई है। देखिए यहाँ पर एक डाउनफॉल जो हुआ था, हमने यहाँ पर 21 दिसंबर को देखा था, यहाँ पर जबरदस्त डाउनफॉल हुआ था। मैंने देखिए ये पहले ही निकाल के रखा हुआ था। सो यहाँ पर देखिए डाउनफॉल होने के बाद ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है, इसके पास जो है कैडिला ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फाइनली फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट यहाँ पर 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। मे बी यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल बन सकती है, कोई यहाँ पर डोजी कैंडल बन सकती है। इसके बाद जब ये देखिए ये लेवल जब क्रॉस करेगा 492 का, फिर हम यहाँ पर एक जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को हमको यहाँ पर मिल सकता है। वैसे भी देखिए इस टाइम जो है फार्मा स्टॉक्स जो है काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो है वैक्सीन हमारे इंडिया में जो है मतलब अवेलेबल होने वाली है या हो चुकी है, समझ लीजिए अब वो मतलब लोगों को समझ लीजिए प्रोवाइड होने वाली है। सो मतलब यहाँ पर फार्मा सेक्टर जो है मतलब एक बूम कर सकता है। सो फार्मा सेक्टर पर नजर बनाकर रखिएगा। 492 के ऊपर कैडिला में जो है आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। 492 के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है टारगेट 15 दिनों के अंदर 550 का रखा हुआ है, 550 का टारगेट है मेरा कैडिला में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा जो है वो भी देखिए हमारा फार्मा कंपनी से ही है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है देखिए सन फार्मा। तो सन फार्मा हम यहाँ पर देखें तो देखिए एक नीचे से ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करके हमने रखी हुई है और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू हायर हाई, हायर लो, हायर और हायर लो, और हायर लो बनाने के बाद फाइनली देखिए यहाँ पर भी 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर बूम लगा हुआ है। और अगर अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये एक लेवल था जो 525 के आसपास का लेवल था, इस लेवल के पास आकर जो है सन फार्मा बार बार रिवर्स हो रहा था और फाइनली देखिए हमको 585 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। जैसे 585 के ऊपर हमको यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, अब हम यहाँ पर बुलिश हो चुके हैं और यहाँ पर कैंडल ने भी जो ब्रेकआउट दिया है, कैंडल भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर कैंडल बनी हुई है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन ऊपर से दिखाई देगी जो मैंने रेड कलर के ड्रॉ करके रखी हुई है, और ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से एक नीचे से। सो हम इसको, इस पैटर्न को हम टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, सो यहाँ पर टारगेट मैं यहाँ पर काफी अच्छा अचीव मैं लेकर चल रहा हूँ। देखिए नीचे से 525 और ऊपर का जो है 590, सो यहाँ पर अभी मेरा कम से कम टारगेट मेरा यहाँ पर 60 to 70 points का है। तो देखिए यहाँ पर 590 के आसपास यहाँ पर जो है सन फार्मा क्लोज हुआ है। अब मैं टारगेट यहाँ पर जो है देखिए मेरा 650 का है सन फार्मा में। देखिए टारगेट हम 650 के लिए लेकर जा रहे हैं। अब देखते हैं मतलब हमको यहाँ पर देखिए एंट्री आप यहाँ पर आसपास ले सकते हैं, 585 से लेकर 590 के बीच में आपको कहीं भी यहाँ पर मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को जो भी स्टॉक्स बताता हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, इसमें एक बार एंट्री लेने से पहले आप लोग अपनी भी एनालिसिस करिए, ठीक है ना। सिर्फ मेरे कहने पर आप एंट्री मत लीजिए, एक बार एनालिसिस करिए कि वहां फाइनली ब्रेकआउट हुआ है क्या है। देखिए जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक देखिए यहाँ पर आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा तब तक आप वहां पर अपनी क्वांटिटी जो है इंक्रीज नहीं कर सकते। सो देखिए सब कुछ देखिए क्वांटिटी पे ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं और वहां पर 100 क्वांटिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारा टारगेट 10 रुपए है, तो हम वहां पर ओनली 1000 रुपीज हम वहां पर अर्न करने वाले हैं। और वहीं पर अगर मान लीजिए हम 1000 क्वांटिटी से हम ट्रेड कर रहे हैं और टारगेट हमारा 10 रुपीज है, तो वहां पर देखिए हम 10,000 रुपीज हम वहां पर गेन कर सकते हैं। सो देखिए यहां पर गेम सारी क्वांटिटी के ऊपर होती है। क्वांटिटी कब हम इंक्रीज करते हैं, जब हमको किसी भी स्टॉक में कॉन्फिडेंस आता है, हमको लगता है कि हाँ ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा करने वाला है। सो आप लोग अपने एनालिसिस जरूर करिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा देखिए बजाज ऑटो है। तो बजाज ऑटो ने भी देखिए फाइनली यहां पर जो इसकी ऊपर की हमको क्लोजिंग चाहिए थी वो 3380 के आसपास की चाहिए थी। सो देखिए क्लोजिंग अभी 3380 के आसपास नहीं आई है, बट यहां पर जो कैंडल इसने जो बनाई थी, जो हाई लगा था यहां पर, ये 3400
3,27 रुपए के हाई लगा था। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि अब मंडे के दिन यहां पर अगर कैंडल 3,480 के लेवल क्रॉस करती है और सस्टेन कर जाती है तो यहां पर बजाज ऑटो में भी हम यहां पर बूम देख सकते हैं। देखिए आगे भी न्यू ईयर आने वाला है, सो यहां पर बजाज ऑटो और जितने भी ऑटो कंपनीज हैं यहां पर अपने क्वार्टरली रिजल्ट जो है पेश करेंगे। सो यहां पर मेरे हिसाब से जब से हमारे लॉकडाउन की हम ढील दी गई है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से बजाज सॉरी ऑटो कंपनियों में जो है एक बूम देखने को मिला है। इनकी सेल्स फिगर में जो है काफी इजाफा हुआ है। सो बजाज ऑटो में नजर बना के रखिएगा, 3,400 के ऊपर यहां पर देखिए टारगेट मेरा 4,000 रुपीज का है। ईयर 4,000 रुपीज का टारगेट मेरा 2 महीने के अंदर का है। अगर आप यहां पर 15 दिन की होल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहां पर 3,600 टू 3,700 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगेन हमारा फार्मा कंपनी से है, सिप्ला। तो देखिए आपको मैंने यहां पर देखिए 3 स्टॉक्स मैंने दिखा दिए, बायोकॉन, सन फार्मा और सिप्ला। ये देखिए तीनों ही मैंने फार्मा कंपनी से सिलेक्ट किए हुए हैं, इनमें मैंने चूज किए हुए हैं। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए एक रेंज बनी हुई थी, ऊपर की जो रेंज थी वो 815 के आसपास की थी और जो नीचे की रेंज थी वो 700 के आसपास थी। तो ये हम कह सकते हैं कि 115 पॉइंट्स की रेंज थी। अब टारगेट आपको देखिए यहां पर क्या मिलने वाला है, टारगेट हमारा कम से कम 100 पॉइंट्स यहां पर हमारा टारगेट है। तो हम यहां पर कम से कम 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम यहां पर जाने वाले हैं। सो टारगेट देखिए मैं यहां पर जो लेकर चल रहा हूं वो टारगेट मेरा 925 के आसपास का है, 925 से 950 के आसपास, जहां भी मेरे को सिप्ला 15 दिनों का टारगेट है मेरा ये। अगर 15 दिनों के अंदर मेरे को ये टारगेट नहीं मिलता है तो मैं वहां पर आधी क्वांटिटी बुक करके और आधी क्वांटिटी में वहां पर होल्ड रखूंगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सिप्ला में भी कंटिन्यू 3 दिन से, देखिए मैं एक आपको लॉजिक यहां पर दिखा रहा हूं कि जो फार्मा कंपनियां हैं कंटिन्यू 3 दिन से बहुत अच्छा कर रही हैं और मे भी आगे बहुत अच्छा कर सकती हैं क्योंकि हमको यहां पर एक ब्रेकआउट मिल चुका है। देखिए यहां पर अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री यहां पर 820 से 825 के आसपास अगर आपको एंट्री मिलती है तो वो एंट्री आपके लिए बेस्ट होगी, बिकॉज वहां पर देखिए स्टॉप लॉस आपको छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिएगा, स्टॉप लॉस बड़ा लेकर मत चलिए, स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके आसपास अपना नीचे स्टॉप लॉस रखकर आप जो है 10-15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पिडिलाइट। तो पिडिलाइट को देखिए मैं चार्ट यहां पर बड़ा करूंगा और चार्ट बड़ा करके यहां पर आपको वीकली चार्ट में लेकर चलूंगा और वीकली चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए अब आपको यहां पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। देखिए यहां पर देखिए एक फर्स्ट टॉप बना हुआ था और यहां पर एक सेकंड टॉप बनना चाहिए था, बट यहां पर सेकंड टॉप नहीं बना और ये जिस जो कैंडल ने यहां पर देखिए ब्रेकआउट दिया हुआ है, इस कैंडल में वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त लगा हुआ है। सो यहां पर मैं बुलिश हूं और जब भी इस तरह की कैंडल के बाद कोई डोजी कैंडल बनती है तो डोजी कैंडल के बनने के बाद अगर प्रीवियस डे का हाई क्रॉस होता है तो हम यहां पर जो है एक लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। सो यहां पर 1750 की क्लोजिंग के ऊपर लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा, 1750 की क्लोजिंग के ऊपर अगर यहां पर क्लोज होता है, 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोज होती दिखाई देती है या सस्टेन हुई होती हुई दिखाई देती है तो हम यहां पर एक अच्छे टारगेट के लिए जा सकते हैं। सो 1750 का हमारा एक लेवल है, 1750 क्रॉस होने दीजिए या फिर अगर आप ये रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं तो आप यहां पर जो 1710 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो देखिए स्टॉप लॉस हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो 1640 के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1700 के आसपास हम यहां पर एंट्री के लिए देखेंगे। देखिए मैं तो रिस्की ट्रेडर हूं, मैं रिस्क ले लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं मुझे पता है कि मेरा रिस्क कितना है और मैं रिवार्ड कितना लेने वाला हूं। सो अगर मेरे 4 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए और मेरा एक प्रॉफिट भी मेरा आ गया तब भी मेरे मैं जो है ईओडी में प्रॉफिटेबल ही रहूंगा, मैं ग्रीन में ही रहूंगा। सो देखिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट एक स्टॉक मार्केट में मैजिक की तरह है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप यहां से पैसे कभी नहीं बना सकते, कतई नहीं बना सकते हैं। सो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगला स्टॉक था हमारा पिडिलाइट जो कि यहां पर ब्रेकआउट दे चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मैक्स फाइनेंशियल। तो मैक्स फाइनेंशियल यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक रेंज टाइप का यहां पर बन रहा था, जो ऊपर की रेंज थी 670 के आसपास की थी और नीचे की रेंज जो थी 630 के आसपास की थी, तो 40 पॉइंट्स की रेंज थी और यहां पर देखिए फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है और यहां पर भी देखिए अब हमको एंट्री कहां पर लेनी है, 690 के आसपास एंट्री ले सकते हैं। रिस्की ट्रेडर है तो आप यहां पर देखिए 660 के आसपास यहां पर एंट्री ले सकते हैं। सो देखिए मेरे को मैक्स फिलहाल जो है काफी अच्छा यहां पर करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज मैक्स में ये जो कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है ये कैंडल देखिए पूरी की पूरी ग्रीन, देखिए नीचे कोई विक नहीं है बट ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आया है सेलिंग का। देखिए वो सेलिंग प्रेशर क्या होता है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है और कुछ नहीं होती है। जिन्होंने इंट्राडे में बाय किया है या जिन्होंने मान लीजिए यहां से पोजीशन को होल्ड किया होगा 560 या 500 से होल्ड किया होगा, वो एक छोटा सा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सो यहां पर मैं भी फिलहाल बुलिश हूं, 660 के आसपास यहां पर मैं एंट्री मैं यहां पर लूंगा, 660 के पास एंट्री लेकर मैं अपना छोटा स्टॉप लॉस रखकर मैं इसको होल्ड करूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो ये चौथा स्टॉक मैंने आप लोगों को दिखा दिया फार्मा कंपनी से। तो ये देखिए
देखिए, अगर हम मैंने 10 स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और 10 स्टॉक में आपको 4 स्टॉक यहाँ पर मिल गए फार्मा कंपनी से, तो मे बी शायद कोई रीजन यहाँ पर हो सकता है कि फार्मा कंपनी में आखिर ये तेजी क्यों हो रही है, कोई ये बूम क्यों आ रहा है। देखिए, अभी बूम आया नहीं है, जो है फार्मा कंपनी में बूम अभी आने वाला है। सो फार्मा कंपनी पर नजर जरूर बना के रखिए। दूसरा, अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर काफी अच्छे गैप अप ओपनिंग से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इस तरह के ब्रेकआउट जो है काफी अच्छे माने जाते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम भी काफी अच्छा लगा हुआ है। अब देखिए, दूसरा यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या कहता है कि यहां पर जो कैंडल जो बनी हुई है, देखिए 24 दिसंबर की ये कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल, और इस तरह की कैंडल देखिए बहुत जबरदस्त एक मूव देकर जाती हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाती हैं। सो यहां पर आप 388 के आसपास यहां पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहां पर देखिए 377 कर रख सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ ओनली 11 पॉइंट का होने वाला है, सिर्फ 11 पॉइंट का। अगर आप इसको थोड़ा लंबा होल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हैं, तब फिर आपको यहां पर जहां से ब्रेकआउट हुआ है इसके नीचे आप मे बी 360 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज देखिए, मैं तो छोटा स्टॉप लॉस रखता हूं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही जाता हूं। मैं यहां पर 388 के पास पास यहां पर मैं एंट्री के लिए देखूंगा, बिकॉज देखिए ये चौथा स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिया फार्मा कंपनी से, तो फार्मा कंपनी में नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी देखिए यहां पर, अगर आपको मैं आपको यहां पर एक पैटर्न दिखाऊंगा। ये देखिए, यहां पर अगर हम देखें इस तरह से ट्रेंड लाइन, या फिर हम इसको ऊपर से ले लें और इधर से हम इसको टच कर दें, तो यहां पर हमको एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मे बी हमारी एंट्री यहां पर 2350 के आसपास एक अच्छी एंट्री हो सकती थी, अगर स्टॉप लॉस हमने छोटा रखना था। बट देखिए, मैं एक्चुअली हेल में मैं ट्रेड करता नहीं हूं, HUL मेरे को सूट करता नहीं है, सो मैं ट्रेड नहीं करता हूं। ये मैंने आप लोगों के लिए मैंने आपको निकाल के रखा था। सो अगर आपको ये सूट करता है तो 2410 के ऊपर आप यहां पर एंट्री के लिए देख सकते हैं। इसमें टारगेट में भी आप यहां पर कितना रख सकते हैं, 2550 और 2700 का टारगेट। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा देखिए TCS, तो TCS भी यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए एक यहां पर कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने काफी टाइम यहां पर अपना जो है वेस्ट किया है, या फिर मतलब टाइम स्पेंड किया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर स्टॉक अगर इस तरह से चलते हैं तो मैं उनको टाइम वेस्ट ही कहता हूं कि काफी जो है टाइम यहां पर लग गया TCS जैसे स्टॉक को ऊपर निकलने के लिए। तो फाइनली देखिए, जो पिछला लो जो इसका पिछला हाई लगा हुआ था, वो हाई देखिए इसका लगा हुआ था ये 2890 के आसपास, 2885 के आसपास। और फाइनली देखिए, अब यहां पर हमको 2900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, तो 2900 के ऊपर की क्लोजिंग हमको यहां पर मिल चुकी है। तो दूसरा चीज अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी आपको सेम लॉजिक दिखाई देगा जो मैंने अभी आपको विपर में दिखाया है। यहां पर भी देखिए इनसाइड कैंडल यहां पर जो है आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पर जो है आप एंट्री ले सकते हैं 2925 रुपए के आसपास, 2925 रुपए के आसपास एंट्री लेकर यहां पर स्टॉप लॉस देखिए आपका जो होगा वो 2860 के आसपास का होगा। तो मे बी आप कह सकते हैं 1775 पॉइंट का यहां पर जो है हम स्टॉप लॉस के लिए जा रहे हैं, बट टारगेट में हम यहां पर बड़ा लेकर चल रहे हैं। टारगेट हमारा यहां पर 3200, 3400 और 3500 है। मे बी यहां पर मैं 15 दिनों का टारगेट लेकर चल रहा हूं। पहला टारगेट तो मेरा 3200 है, अगर यहां पर 2925 का लेवल क्रॉस करता है, सस्टेन कर जाता है, तो ये 3200 के लेवल आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको नीचे बैंक निफ्टी की कॉल वहां पर कंटिन्यू इंट्राडे की मिलती रहती है। वहां पर मैं चार्ट पोस्ट करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाकर आप लोगों को काफी कुछ वहां पर देखने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। वहां पर मैं चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके मैं कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूं, और वहां पर मैं इंट्राडे के सारे चार्ट और सारे वीकेंड पर भी मैं जो है पोजिशनल चार्ट्स की जो है वॉचलिस्ट मैं वहां पर शेयर करता हूं। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।